हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर क्रिया। तो यहाँ पर बच्चों एक कॉलम दिया गया है जिसमें कुछ एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर लिखा है कि आप दिन में क्या क्या करते हैं, किन्हीं चार के नाम बताइए। तो बच्चों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे उठते हैं, फिर नहाते हैं, और फिर नाश्ता करते हैं, फिर व्यायाम करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारे काम करते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी अपने चार काम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए और बताइए कौन क्या कर रहा है। जैसे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, एक आदमी अखबार पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रश्न लिखे हैं, जैसे पिताजी क्या कर रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ना क्रिया हो गई। माँ क्या कर रही है, माँ चाय पी रही है, तो पीना क्रिया हो गई। जिया क्या कर रही है, जिया बैठी है, तो बैठना क्रिया हो गई। माली क्या कर रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो पानी देना क्रिया हो गई। शिवम क्या कर रहा है, शिवम पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ाना क्रिया हो गई। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं, पढ़ना, पीना, बैठना, देना, उड़ाना, तो ये जो काम बताने वाले शब्द हैं, इनसे पता चल रहा है कि क्या काम किया जा रहा है, तो इन्हें ही हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे कि चलना, हंसना, नहाना, नाचना, खाना, गिरना, तो ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द जिनसे हमें किसी काम के बारे में पता चले कि क्या काम किया जा रहा है, वो सब क्रिया होते हैं। तो काम बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। देखना, दौड़ना, नाचना, रोना, खेलना, ये सभी क्रिया शब्द। थैंक यू।